हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू अक्षी व्लॉग्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग तो क्या ही बोले, आजकल मॉर्निंग तो होती ही नहीं है, डायरेक्ट रात के बाद में आफ्टरनून ही होता है, दोपहर ही होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज का तो जो क्लाइमेट फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट, उसके हिसाब से 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर जाने वाला है। इट मीन्स सबके हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। सुबह भी उठते हैं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट दोपहरी हो गई है, मॉर्निंग तो है ही नहीं, और शाम को इवनिंग भी नहीं होती। मैं इट मीन्स जो पूरा इस तरीके से हो रखा है कि नाइट, नाइट के बाद आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद दोबारा नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग तो लाइफ से स्किप हो गया है। और सुबह सुबह ये रहा हमारा मैंगो शेक, नक्श ने पी लिया, और अक्षत थोड़े ब्रेक के बाद। गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे अभी ये लगा लो शाम ही होने वाली है, 4 बज गए हैं शाम के, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा, अभी भी 44 डिग्री है और हमारे घर पे तो सिर्फ आम ही आम चल रहे हैं। शाम नहीं होने वाली है, ठीक है, शाम होने वाली नहीं है, अभी दोपहर हुई है, क्योंकि आज हमारी जो शाम होती है, आज के टाइम पे 8 बजे सुबह चलता है, वो भी नहीं आती, उस टाइम पे भी नहीं होती, होती। अभी तो दोपहर ही चल रही है। हेलो हेलो, ये क्या चल रहा है? मैंगो सीजन चल रहा है, कच्चे आम का, पक्के आम का। सुबह मैंगो शेक किया था, अभी शाम को आम पन्ना की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉक बना के रखेंगे, बस इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, इसलिए गर्मी में ड्यूटी लगी हुई है अक्षत की, क्योंकि ऐसी चीजें तो वैसे भी आप ही बना सकते हो। देखो सीधी सी बात है, बाहर का मतलब कि केमिकल वाली चीजें पीने से तो अच्छा घर वाला। और ये पे क्या होता है? ये है टिकट, पैसे, नकली के पैसे हैं। आप कब से पैसे लेने लगे? आप कब से पैसे लेने लगे? गंदी बात, नकली, गंदी बात, नकली। कैसे कैसे भी पैसे लेते नहीं है, नकली के भी नहीं लेते, असली के भी नहीं लेते, नकली के लेते, गंदी बात, वेरी बैड मैनर्स। लद्दाख की, लद्दाख जा रहे हो आप? हाँ। मुझे लेकर चलोगे? हाँ। ले चलोगे मुझे? अच्छा, जूस पीने के बाद चलेंगे। हाँ। अभी तो बेटा टाइम लगेगा, अभी तो इसकी स्टार्टिंग प्रोसेस ही स्टार्ट हुई है, कट कर। अच्छा खड़ी हुई है? हाँ। तो ठीक है, एक काम करो, आप घूम कर आ जाओ लद्दाख, फिर हम दोनों चलेंगे ट्रिप पर, ठीक है? हाँ? कोई बात नहीं, हम हमें लद्दाख की जगह आप मनाली ले जाना बस। तीनों चलेंगे, सीट है। ओके चलो बाय। गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी में? हाँ? मैं। मतलब? आप मेरे साथ बैठ जाना। आगे तो दो सीट है। अच्छा, ठीक है भैया। ब्रेक कौन लगाएगा? मैं तो सोचा था अश्विनी गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फीलिंग के साथ बोल रही हूँ। गाड़ी मैं भी चलूँगा और आप और गाड़ी पीछे बैठ जाओ। ठीक है बेटा। ओके ओके ओके, अभी से मैं गाड़ी स्टार्ट करके आता हूं। ओके ओके ओके, बाय बाय। गाड़ी स्टार्ट करके फिर से आऊंगा। ओके ओके, इसका पूरा दिन ये चलता रहता है, और वैसे भी ये भी क्या करे, छुट्टी आया, कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए इसको भी, हमारे साथ बातें भी कर लेता है, खेल लेता है, स्टडी कर लिए, कलर कर लेता है। दो दिन से तो पूल पार्टी भी कर रहा था। हाँ, दो दिन से घर में उसको पूल ला के दिया, 2 दिन से पूल पार्टी भी कर ली, पर पूरा दिन, और गर्मी इतनी ज्यादा है, घर से बाहर तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अभी ये देखो 4 बजे अगर 44 डिग्री है, और बस तो पूछो मतलब, तो बाहर तो लगता है फिर हम भुनेंगे या जलेंगे वो भगवान को ही पता है। ओके ओके, आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा आप भी आ गए? जल्दी गाड़ी स्टार्ट।
अच्छी आ रही है। अक्षु फ्रिज मत करो भैया ऐसे, मुझे काम कर लेने दो। बाकी हमें तीन घंटे बोल रही हूँ, सॉरी 1.5 घंटा तो हो गया है, बाकी कितना टाइम और लगेगा अक्षर? एक घंटा और। अगर हम टोटल प्रोसेस टाइम लगाए तो कितना होता है? नक्श ये देखो इसका, फिर से नक्श ये नहीं करो भैया, एक तो ये नक्श मान ही नहीं रहा। नक्श मुझे लगता है आपको ना कैंसिल ही करना पड़ेगा हमेशा। अक्षत कैंसिल कर दें, नक्श का कैंसिल ठीक है, अब आपका और मेरा है बस। आपका तो नहीं होता, मेरी अपनी मम्मा का जुगाड़ है, मेरा कैंसिल करवा दे पहले। अक्षत कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना भाई, अब आशी को चाहिए हम पर ना तो मान के पड़े हैं, आशी की ख्वाहिश ना पूरी करेंगे इसी करेंगे। हेलो मिस्टर शेफ। हेलो मिस्टर नाग, आज जूनियर शेफ सीनियर शेफ की हेल्प नहीं कर रहे क्या? नहीं हेल्प भी डाल रहे हैं तो घास गंदे हो जाएगी। देख लो अक्षत, आपने जूनियर शेफ गलत चूज किया है। ये बात तो है। ये कैसा खाना बना रहे सीनियर शेफ? इसका जूस ही बना रहे सीनियर शेफ। कास्ट स्टेप ओके। सीनियर शेफ का जूस नहीं है बेटा, ये कच्चे आम का जूस है। इसके पीछे लगते लगे हुए, अभी एंड रिजल्ट देखो कैसा आता है। अक्षत कैसा बनेगा आपको क्या लगता है? पहला टेस्ट आ गया, मेरा चश्मा भी गिर गया। मेरे को लगा खट्टी मीठी गोली बनेगी भाई, ये बहुत जरूरी चीज है चश्मा, इसके बिना काम नहीं चल सकता है ना। बाकी ठीक है, थोड़ा ठंडा बना रही हूँ, पी लेना। बिल्कुल मैं गर्म पीना आराम पी के देख रहा हूं। नहीं नहीं मुझे गर्म नहीं पीना, इतनी गर्मी में मैं अपना ठंडा ही पी लूंगी। देखते हैं कैसा बनेगा, कुछ तो बनेगा ही। हाथ में ठंडा है बहुत ज्यादा, बर्फ है तो ठंडी तो वैसी बात हो गई, और हाथ से तोड़े एक भगवान। सच में हाथ हो गए बिल्कुल सिल्वर सर, ठंडा हो गया। नहीं मेरा सर बिल्कुल ठंडा है, मुझे नहीं ये थोड़ी देर पहले मेरा सर लग गया वो तो अलग। चलो नो गड़बड़, नक्श कैसे बोलते हैं? नो गड़बड़ नो गड़बड़, ये नक्श का डायलॉग है, कहता है नो गड़बड़ नो गड़बड़, और सबसे ज्यादा गड़बड़ भी वही करता है और गड़बड़ भी वही करता है। तो ठंडा ठंडा भी आ गया हमारे पास, पर बहुत ज्यादा मीठा है। क्या हो गया? बहुत ज्यादा मीठा, कोई बात नहीं आज पी लो। ठंडा ठंडा पिंक दूध। चीयर्स। मम्मा, वाइट दूध से तो पिंक दूध बनता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, वाइट दूध से ही तो सारे दूध बनते हैं, पिंक दूध येलो दूध सारे वाइट दूध से ही तो बनते हैं। येलो दूध होता है येलो दूध, आपको नहीं पता? हेल्दी दूध, हाँ हेल्दी वाला दूध।
कंपनी वाला है भी कच्ची हल्दी वाला दूध। हाँ येलो दूध, पिंक दूध। आप अपना फिनिश करो। पहले आपको पिंक दूध बनाना, आप पहले आपको पिंक दूध नहीं पता था? पता था, फिर आप बोलते थे कौन सा पिंक दूध। आप ऐसे बोलते वो तो मैं आपसे पूछना चाहती थी ना, इसलिए बोलती थी। मैं क्या बोलता था? आप मुझे बता देते थे फिर। नहीं, पहले अपना दूध फिनिश करो। पिंक दूध से गर्मी नहीं मिलता है और येलो दूध से गर्मी मिलता है। समझ आ गया बाबा जी क्या बोल रहे हैं? पिंक दूध है वो गर्मी में मिलता है और येलो दूध सर्दी में मिलता है। और वाइट दूध? वाइट दूध हमेशा मिलता है। वाइट दूध गर्मी दूध में भी मिलता है? हाँ, गर्मी में भी मिलता है, सर्दी में भी मिलता है। वाइट दूध के साथ और चाहिए आपको? और चाहिए पिंक दूध? अक्षत इसको दे दे थोड़ा सा। जाओ ग्लास लेकर जाओ पापा जी के पास और दे देंगे। अब गर्मी में अगर थोड़े बहुत सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो खाने से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। मतलब कुछ ठंडा ही चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है सारे दिन ऐसे डिफरेंट टाइप की वैरायटी के सिर्फ ड्रिंक्स जो है वो होने चाहिए, ठंडे वो भी पूरे। तो ठीक है, खाने का तो कुछ मन ही नहीं करता। आराम से भैया, गिर जाएगा। ये है मेरा दूध, और ले लिया मैंने। और ले लिया? अच्छा लगा आपको? पी लो तो आप आराम से बैठकर पियो, नहीं तो गिर जाएगा।